प्रदीप जी, आज जादू बिखेरा है, उनसे जानेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस। मैं अपने सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। आज ताज महोत्सव, ताज फेस्टिवल में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। यूपी सरकार को और इससे जुड़े तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और साथ ही जो मैंने जो पब्लिक थे, जो भीड़ थी, जो आलम था, उससे लगा कि क्या प्यार है उनका हम पे और क्या आशीर्वाद उन्होंने रखा है। हर गाने में वंस मोर, हर गाने पे एक बेताबी, एक खुशियां ऐसे बिखेर रहे थे कि मैं कंटिन्यू 2.5 घंटा मैंने कंटिन्यू गाया। तीन दशक आपको हो गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक से एक हिट गाने दिए, एक फिल्म फेयर ली है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी होती है, किसको खुशी नहीं होगी। जहां भी जाता हूं, चाहे हिंदुस्तान हो, अपना देश हो या विदेश हो, कहीं पे भी जाता हूं, लोग इसी तरह प्यार देते हैं तो उसको देख के ऐसा लगता है कि वाह। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि दूसरा जन्म भी अगर होता होगा तो ऐसे ही बनाए। जी, आपने 15,000 गाने गाए, 30 भाषाओं में, कैसा महसूस किया, कितना अचीवमेंट मानते हैं? वो तो आप कहेंगे। देखिए, मैं अपनी तारीफ करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं 30 से 34 भाषाओं में गा रहा हूं और हर स्टेट्स, हर भाषाओं में मैं गा रहा हूं और सारे स्टेट्स के लोग उतना ही प्यार देते हैं, हर स्टेट्स में उतना ही लोग लोकप्रिय हूं और ये भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है। और भारत सरकार के तरफ से पद्मश्री मुझे मिला 2009 में, मैं भारत सरकार का आभारी हूं और 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं तो वो भी भारत सरकार की तरफ से ही है। सर, हिंदी सिनेमा की जो मेलोडी खत्म हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है, बड़ा खूबसूरत दौर था जो रफी साहब, किशोर दा, लता जी, आशा जी, इन्होंने काम किया और उसके बाद जो दौर आया, हम लोगों को भी भगवान ने बहुत अच्छा दिन दिखाया। एक से एक खूबसूरत कंपोजिशन, एक से एक अच्छे फिल्मों में गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हर कलाकारों के साथ काम करने का अवसर मिला और लोगों के दिलों में एक खूबसूरत सा घर बन गया। ये टेलीविजन जो चैनल्स में सर, जो रियलिटी शोज, और ये चलता रहेगा। जो काम अच्छा है उसको हमेशा लोग सराहते हैं, सराहते रहेंगे, लेकिन मेलोडी कभी मरती नहीं है। जो जिस गाने में दम है, जिसमें मेलोडी है, जिसमें मिट्टी की खुशबू है, वो एवरग्रीन होता है। पैगाम मोहब्बत आज थीम रही है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरे देश को? बस मोहब्बत पैगाम, जहां हमारे शहंशाह ताजमहल बना के गए और हिंदुस्तान के नाम को ऐसा उन्होंने ताजमहल बना के मोहब्बत की पैगाम उन्होंने ऐसा लिख दिया जो पूरे विश्व में हमारी हमारा झंडा फहरा रहा है और हमेशा फहराता रहेगा।